नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चाएं देश में आम है और तमाम तरह के मुद्दे ज्वलंत होते रहते हैं, और निश्चित रूप से यहां पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश भी की जो भूमिका है वो विशेष रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम केंद्र की कुर्सी पर प्राप्त करना है तो बिना उत्तर प्रदेश को साधे हुए ये संभव नहीं है, और इसके लिए सारे दल तैयारी भी करते हैं। 24 का चुनाव होने वाला है, उसके पहले भी निकाय चुनाव होने वाले हैं। चुनाव तो खैर कर जगह कई जगह है, हिमाचल में चुनाव, गुजरात में चुनाव, और अगर कुछ चुनावों की हम बात करें तो अभी हाल में ही मैनपुरी चुनाव होना है, जो कि समाजवादी पार्टी के पुरोधा रहे और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सीट खाली हुई थी, और व्यवस्था के मुताबिक वहाँ चुनाव होना है, वहाँ पर चुनाव होना है, और जिसके लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से मुलायम सिंह यादव की बहू और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी कन्नौज से पूर्व सांसद डिंपल यादव मैदान में है। आज नामांकन उन्होंने कर दिया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से तमाम नाम चलते रहे पर अब तक कोई नाम पर मोहर नहीं लगी है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्का नहीं लेती है और सभी चुनाव को प्रत्याशी को लेकर रणनीति को लेकर गहन मंथन होता है, और यहाँ भी मंथन ही हो रहा है। बहुत जल्दी इस नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी क्योंकि नामांकन का समय आ चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैनपुरी से रमाकांत कश्यप सुभाषपा से चुनाव मैदान में है, और जानकारी के मुताबिक वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में वोट उस बिरादरी के हैं जिसको लेकर रमाकांत कश्यप को चुनावी मैदान में उतारा गया है, और होना भी चाहिए। अगर कोई समाज पिछड़ रहा है तो समाज को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए इस तरह के प्रत्याशियों को उतारना आवश्यक हो जाता है। शायद सुभाषपा ने ऐसा ही किया, जो उनका हमेशा टैगलाइन रहता है कि उन वर्गों को आगे बढ़ाना है जो वर्ग अभी भी विकास की मुख्य धारा से अलग है। इसके अलावा खतौली में भी चुनाव होना है, रामपुर में भी उपचुनाव होना है। खतौली से जो सपा और रालोट का संयुक्त प्रत्याशी मदन भैया को उतार दिया गया है, रामपुर से अभी नाम आना बाकी है, और तीनों जगह से भारतीय जनता पार्टी कौन चुनाव लड़ेगा ये भी अभी फिलहाल एक संशय बरकरार है, जल्दी इसकी घोषणा हो जाएगी। इसके अलावा जो आज चर्चा का मुख्य विषय ये भी है कि बीजेपी लगातार पसमानदा मुस्लिम समाज को लेकर गहन मंथन में है, और लगातार तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इस वर्ग को अपने साथ करने में। हालांकि जो परिणाम अगर 19 के आम चुनाव के परिणाम माने तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ग ने खासे वोट बैंक बीजेपी में गया था जो परिणाम आए थे। इसके अलावा अगर हम विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश 2022 की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वोट प्रतिशत भाजपा के साथ गया है, तभी 37 साल पुराने मिथक को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आई। तो जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं थोड़ा खिसका है। हालांकि सपा को भी वोट बैंक अच्छा मिला है और मुस्लिम वर्ग से खासा वोट प्रतिशत मिलने के चलते 111 सीटों पर उनको यहाँ जीत हासिल हुई थी, जो कि अगर 17 की बात करें उससे कहीं ज़्यादा, 17 में महज 47 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जो स्थिति थी वो सिमट गई थी। और जो अगर सम्मेलन की बात करें तो उसका इतिहास है वो पुराना रहा है। अगर सम्मेलन के रूपरेखा की बात करें तो सम्मेलन की रूपरेखा 14 शुरू ही, 14 उसके बाद 17 उसके बाद 19 उसके बाद 22, और लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा तरह तरह के वर्गों के सम्मेलन कराए जाते रहे, और इस बार जो सम्मेलन हो रहे हैं वो पसमांदा समाज के लोगों के लिए हो रहे हैं। पहले लखनऊ में हुआ, उसके बाद रामपुर, उसके बाद बरेली। मन केवल सबका साथ सबके विकास की भावना को आगे बढ़ाने का, इस समाज को अपने साथ लाने का, और जो ये कहा जाता है कि मुस्लिम समाज बीजेपी का पक्षधर नहीं है, उसको समर्थन नहीं देता है, इस किरदबंती को अलग करने का मैनपुर चर्चा का विषय हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको रूबरू करा रहा हूँ, हमारे साथ सफार हुसैन भाई हैं जो नेता भाजपा से अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में विनोद सिंह भाई अपना पक्ष रखेंगे, आमिर साबरी भाई इस्लामिक स्कॉलर ग्रुप में अपना पक्ष रखेंगे, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी सपा प्रवक्ता ग्रुप में अपना पक्ष रखेंगे, और प्रवक्ता सुभाषपा से दयाराम भाई अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला सवाल रहेगा वो सपार भाई से रहेगा। सपार भाई, भाई यहाँ पर तो सम्मेलन का जो इतिहास वो बता रही है 14 से 17, 19, 22, और आपको इसमें फायदा भी मिला,
बाजार जो समय जो आपने अलग अलग वर्गों के सम्मेलन हुए, अलग अलग जातियों के सम्मेलन आपने कराए और प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन भी आपके द्वारा कराए गए, और लगातार मैंने देखा है कि सम्मेलनों का लाभ आपको मिला और लगातार जो परिणाम आप चाहते थे मेहनत से वो परिणाम आपको हासिल भी हुए। पर अब पसमांदा समाज के सम्मेलन की शुरुआत कर दी गई है, 3 सम्मेलन हो चुके हैं, पहला लखनऊ में, रामपुर में, बरेली में, आगे भी सम्मेलन जारी रहे, और कहा जा रहा है निकाय चुनाव में इस बार हम मुस्लिम वर्ग के लोगों को तरजीह देंगे। इसके अलावा जिस तरह से मैनपुरी में आपने देखा घटनाक्रम कैसे घट रहा है, अभी तक हालांकि भाजपा से कोई नाम की घोषणा नहीं हुई है, पर निश्चित रूप से यहाँ पर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह दिया है कि डिम्पल यादव रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी। दोनों बातों पर क्या कहना चाहेंगे गौरव जी? ये आज बहुत ही गंभीर विषय है, आज शायद डिम्पल जी ने नामांकन भी किया है जी, और मैंने आपसे कहा था कि ये कोई चिंता का विषय नहीं है जी कि डिम्पल जी मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं। अच्छा, चिंता का विषय ये है जी कि मुस्लिम वोट बैंक को, मुस्लिम को वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल करने वाली पार्टी जी जब डिम्पल जी नामांकन कर रही हैं जी, तो मुस्लिम के नाम पर उनके साथ कोई नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, ना ही कोई टोपी में और ना ही कोई मुसलमान बगैर टोपी में। ये इस बात का सबूत है कि समाजवादी, सॉरी यादववादी जो पार्टी है वो मुस्लिम विरोधी है। अच्छा, ये आज डिम्पल जी के नामांकन से साफ दिख गया। और रही बात पसमांदा की, कि देखिए पसमांदा यानी दबा कुचला, भारतीय जनता पार्टी जो है, मोदी जी ने जो नारा दिया सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसी पर काम हुआ और हर समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ने का काम किया सम्मेलन के माध्यम से। मुस्लिम समाज को आने में थोड़ा समय लगा, लेकिन जो पसमांदा का जो सम्मेलन हुआ यानी दबा कुचला मुस्लिम, जो दबा कुचला मुस्लिम जिसको अन्य पार्टियों ने तरजीह नहीं दी, उसको भारतीय जनता पार्टी आगे लाने का काम कर रही है और उनको ये जो नगर निगम या निकाय का जो चुनाव होने वाला है उसमें उनकी एक बड़ी संख्या में भागीदारी रहेगी और वो बड़ी संख्या में चुनाव जीत कर आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के बैनर से जीत कर आएंगे। जिसको जो अब तकलीफ उन लोगों को हो रही है जो अपना जनाधार धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, जैसे कांग्रेस का वोट बैंक कहा जाता था मुस्लिम और दलित है, वो दलितों ने अपनी पार्टी बना ली, भाई मुसलमानों को लोग छलते रहे जी, इसलिए मुसलमान पर को लगा कि जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी में चलाई उनको जो पसमांदा मुस्लिम है उनको उसका लाभ उन्हीं को उनको मिला और इसीलिए वो सारे सम्मेलन जो हो रहे हैं। आप लोग ये तो बदनाम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आप देखिए कि जो पसमांदा मुस्लिम है किस तरह भारतीय जनता पार्टी के बैनर को और झंडे को लेकर के मैदान में उतर रहा है और कह रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अच्छा, अब हम मौलानाओं के फतवे का इंतजार नहीं करेंगे कि वो हमको फतवा दें कि हम सपा को दें, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि जो फतवा देते थे वो किस तरह से पैसा लेकर फतवा देते थे, वो सारी चीजें अब खत्म हो रही हैं। और विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी ने, जो मोदी जी ने जो शब्द दिया था, वो मुसलमानों को, पसमांदा मुसलमानों को और जो जनरल मुसलमान है उन सब को विश्वास हो गया है कि अगर उनकी तरक्की के बारे में कोई सोचता है तो वो भारतीय जनता पार्टी। जो सवाल मेरे आपसे रहेंगे जी भाई, ये तो आपने कहा कि फतवे, क्या फतवे का अभी प्रभाव रहता है, नंबर एक सवाल। दूसरा, आपने कहा तरजीह दी जा रही है, तो तरजीह 14, 17, 19, 22 ये समय रह गया जी, अब समय आया है। देखिए आप भी जानते हैं कि इसी लखनऊ में जी और देवबंद से और नदवे से और लखनऊ के कुछ कथाकथित मौलाना ये फतवा देते थे। अच्छा, कि जो भी जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराए अच्छा उसको वोट करना है। ये आप भी जानते हैं, अखिलेश दास जी चुनाव लड़े थे, आपने देखा था किस तरह लोगों को गाड़ियां और ये सब बांटे गए थे। अच्छा, और किस तरह अखिलेश दास जी के उसमें फेवर में जो है लोग फतवे जारी हुए थे। तो फतवा 14 के बाद से लोगों को लग गया कि अब मेरे फतवे का असर नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा 22 के चुनाव में जो 14 का चुनाव हुआ उसमें लगभग 5-6% वोट जो है वो मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी को गया था। 19 में 8% वोट जो है वो मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी को गया था, और जो 22 का चुनाव हुआ उसमें मीडिया के माध्यम से ये बताया गया और कि 10% वोट मुसलमानों ने दिया है। और जो अब चुनाव आ गया है 24 का चुनाव, आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ जो मुसलमानों की आबादी है, जिसमें क्या कहते हैं वहाबी मुसलमान जो कट्टर कहे जाते हैं उनको 10% आप निकाल दीजिए और बाकी जो आपका वोट जो पड़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। तो माना 24 में आप तरजीह देंगे, यानी 24 जो चुनाव होगा आम चुनाव वहां पर भी देखिए तरजीह तो भारतीय जनता पार्टी देती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है
मुसलमान वोट बैंक नहीं है। अच्छा। मुसलमान भारत का अभिन्न अंग है, उसको एक अभिन्न अंग के तौर पर देखती है और अपने वो देखती है कि ये इस देश का नागरिक है, अभिन्न अंग है, उस नजर से भारतीय जनता पार्टी देखती है। भारतीय जनता पार्टी कभी मुसलमानों को वोट बैंक के नाम पर नहीं देखती है। जोशी जी, नामांकन हो गया यहाँ पर डिंपल यादव जी का, पर सपा भाई बोले हैं कि वहां पर कोई मुस्लिम वर्ग का नेता नहीं दिखाई दिया, सिपल यादव भी नजर नहीं आए और अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा है कि रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। कैसे समीकरण बनेंगे भाई अगर मुस्लिम वर्ग की बात यहाँ पर हो रही है? बीजेपी तो वहाँ पर समाज का सम्मेलन कराने शुरू कर दी, 3-3 सम्मेलन हो चुके हैं और आपके वोट बैंक जो आप कहा जाता है उसमें सैन लग रही है, कैसे संभालेंगे भाई आप लोग? जी देखिए, आज जो माननीय डिंपल यादव जी ने जो नामांकन किया है जी, ये सामाजिक आस्थाओं का नामांकन था और इसके साथ साथ ये नामांकन था नेताजी के सिद्धांतों और मूल्यों को समर्पित। अच्छा, ये नामांकन था जी। और आदरणीय डिंपल यादव जी नेताजी के विचारों को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ आज उन्होंने ये अपना नामांकन किया है। ठीक, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने भी कहा कि माननीय शिवपाल जी का आशीर्वाद डिंपल यादव जी के साथ है। आए नहीं पर वो आशीर्वाद, और निश्चित तौर पे परिवार एक है। हाँ, कार्यक्रम होते हैं, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी भी सपोर्ट देना पड़ रहा है आपको चैनल पे कि परिवार एक साथ है जी। मैं कौन इंटरप्ट कर रहा है मुझे? सफार भाई हैं, सफार हुसैन बीजेपी से। नहीं, मैं इसे आप चैनल पे क्यों साबित कर रहे हैं कि परिवार एक साथ है? अगर परिवार एक साथ है, शिवपाल जी को दिखना चाहिए। नहीं, मेरे से शिवपाल जी को दिखना चाहिए, मेरे से शिवपाल जी नामांकन में क्यों नहीं है? बुलवा लीजिए पहले, कोई मुस्लिम नेता नामांकन में क्यों नहीं था? पहला राउंड हो जाए, पहला राउंड हो जाने दीजिए, अगले राउंड में बोलिएगा। बोलिए बोलिए जोशी जी। मैं बहुत जिम्मेदारी से करता हूँ और मैं गौरव भाई आपसे लगातार कर रहा हूँ और कभी इंटरप्ट नहीं करता। मेरी बात को पूरी हो जान दीजिए, फिर आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये असभ्यता वाली सही हरकत नहीं। जोशी बोलिए बोलिए। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, पूरे जो भारतीय जनता पार्टी है उसका चाल चरित्र चेहरा पूरा देश और प्रदेश जान चुका है, किस तरह यह लोगों को धर्म और जाति में बांट के काम करती है और जो इनका डिवाइड एंड रूल की जो पुरानी पॉलिसी है उसको जो पसंदा समाज है वो समझता है। मैं अभी आपको घटना बताना चाहता हूँ, परसों इन्होंने रामपुर में पसंदा सम्मेलन करा था। अच्छा। और उसमें कौन कौन आए थे मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री भी उसमें थे जी। और इसमें इनके जो वर्तमान में दर्जा प्राप्त मंत्री है वो भी समाज के थे जी। और उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर ब्रिजेश पाठक जी इसमें थे। लेकिन आपको स्थिति बताना चाहता हूँ और चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि चैनल में ही दिखाया गया कि आधी कुर्सियां खाली रही। अच्छा। इसके पीछे कारण है कि जो डिवाइड एंड रूल की इनकी पॉलिसी है वो उत्तर प्रदेश समझ चुका है और निश्चित तौर पर इनको जवाब देना चाहता है। और ये जो चुनाव हो रहा है मैनपुरी में, जो चुनाव हो रहा है मैनपुरी में निश्चित तौर पे जो यहाँ पर लोगों का नाता था नेताजी के साथ, एक एक वोट जो है श्रद्धा सुमन के रूप में लोग अपने आप को देने को माननीय नेताजी को आतुर है। अच्छा, ठीक है ठीक है। बमन भाई हमारे साथ, प्रवक्ता सुभाषपा, दयाराम भाई रामाकांत कश्यप को उतारे हैं, आज डिंपल यादव नामांकन कर दिए हैं, कैसे देखते हो? अखिलेश जी बोले हैं कि रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे, आप तो पुराने उनके साथ ही रहे, क्या कहेंगे भाई? देखिए, हम साथी दोनों के रहे हैं। अच्छा, हम भाजपा के भी साथी रहे, समाजवादी के साथी रहे, हम तो दोनों के साथी रहे। अच्छा, समय का फेर है, आज हम दोनों से अलग है। अच्छा, आदरणीय रमाकांत कश्यप को मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव जो लड़ाया जा रहा है जी, अभी आप देखिए तमाम टीवी चैनलों पे जी, तमाम टीवी चैनलों पे जो चल रहा है वो यही चल रहा है, ब्राह्मण का वोट इतना है। अच्छा, यादव का वोट इतना है, ठीक, मुसलमान का इतना है, साख का इतना है जी, बाकी भैया आप बताइए, कश्यम बातम तुरहा प्रजापति चौहान बिहार बारी बंजारा पहलिया अलग अलग बंती सब गिना डाल, नाई कहार बढ़ई तुहार लोहार माली तेली तमोली धीमर केवट मल्ला निषाद, ये जो जातियां वहां मैनपुरी में बात करती है ये कहाँ है? हमने इसीलिए सुवेंद्र भारतीय समाज पार्टी के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राज बने उन जातियों के लिए। अच्छा, हम उन जातियों के सम्मान के लिए, उन जातियों की गिनती काउंटी कराने के लिए आदरणीय नेता हमारे जो बड़े भाई हैं, हमने भी बोल दिया भैया, हमने कश्यप जी को मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव उतारने का काम किया गया। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात आप देखिए, यहाँ पे कश्यप समाज 185,000 है, 1,85,000 वोट है,
और जो हमारे जो सर्वे में निकला है हाँ। बंजारा 1.5 लाख है। अच्छा, इसी तरह चौहान जो है 65,000 है। अच्छा, इसी तरह जो है बहलिया आरक्षण, आपको वोट मिलेगा इतना जो बताइए, 65,000 भी निकलता है, आपको इतना वोट मिलेगा ये बताइए। तेली है, तमोली है, कहने का मतलब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, हमको सुनिए जी, हम नहीं कुछ कह रहे, मैं चुप हो जाऊंगा। मेरा कहने का तात्पर्य 75 साल की आजादी में जी केवल आप उन जातियों की बात करते हैं जी जो मजबूत जातियां हैं। अच्छा, जो जातियां गरीब हैं, जो जातियां वंचित हैं, जिनको शासन प्रशासन में जगह नहीं मिला, नौकरियों में आरक्षण तो होते हुए भी आज भी आरक्षण से वंचित हैं। ये बंजारा समाज, वो समाज अगर चले जाओ, उत्तर प्रदेश में 1471 थाने हैं जी, और आप चले जाइए एक भी बंजारा नहीं मिलेगा। अच्छा, 1471 थाने उत्तर प्रदेश में, एक भी अर्कवंशी नहीं मिलेगा। अच्छा, एक भी चौहान नहीं मिलेगा, राजभर नहीं मिलेगा, बिहार नहीं मिलेगा। अच्छा, अरक नहीं मिलेगा, खंगार नहीं मिलेगा, बारी नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया, ये तमाम ऐसी जातियां हैं, क्या नाम है गौरव भाई जी, जिनकी अच्छी खासी तादाद में वोट है जी, और ये लोग वोट करते हैं। अच्छा, इनकी वोट से सपा बसपा ने 4-4 बार सरकार बनाई। हाँ, पूर्व में कांग्रेस राज करती थी जी, आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी राज करती है। ठीक है, लेकिन दयाराम भाई जी, जो आपने इतना हमको गिनाया कितना 1 लाख है, 65,000 है, ये आपको मिलेगा तो आप जीत जाएंगे भाई, आपकी जीत होगी। हमने कब कहा, हम देखिए, हमने देखो, हमने आपको कहा हम किसी को हराने की बात कर नहीं कर रहे, न जीतने की बात कर रहे हैं, तो काहे के लिए गए वहां, समाज के अधिकार को दिलाने की बात कर रहे हैं, उसकी आवाज हम बन रहे हैं मैनपुरी उपचुनाव में। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं किसी लिए गए, ठीक है समझ गया। मनोज भाई, आप तो खैर लड़ नहीं रहे तो अलग बात है, पर जिस तरह से आपने देखा है सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है, उस पर जरूर बोलना पड़ेगा भाई। कभी आपका भी वोट बैंक रहा है मुस्लिम वर्ग, वो अब तो फिर फिलहाल दूरी नजर आ रहा है, स्थिति तो फिर है, कैसे आप करेंगे? आपके यहाँ कोई सरगर्मियाँ नहीं लग रही हैं कि इस वर्ग के ऊपर भी कुछ काम किया जाए? दयाराम भाई तो देखो इतना गिना रही है, पूरा बता रही है कि इस बार हम जीत रहे हैं वहाँ पर मैनपुरी में। नहीं देखिए गौरव जी जी, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलन के परिप्रेक्ष्य में अगर आप पूछ रहे हैं जी, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का चुनावी भाषण, चुनावी समय जी, जो बातचीत का होता है, नारों का होता है, तैयारियों का होता है जी, तो उसमें बहुत कुछ नया कहने को बाकी नहीं है। अच्छा, झांसा पासा सारी व्यवस्थाएं, कूटनीति रणनीति चलती है इनकी। अच्छा, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की जनता या देश की जनता इनके इनके व्यक्तित्व को, इनके विचार को, इनके राजनीति के पैटर्न को भलीभांति जान चुकी ठीक है। इसमें बहुत कुछ शेष नहीं है, आपके दर्शकों के माध्यम से हम यही कह सकते हैं विवेकपूर्ण तरीके से फैसला लें, जो लोग केवल किसी भी जाति का, धर्म का, वर्ग का इस्तेमाल केवल अपने राजनीतिक हित साधने में करते हैं, और जब उनको पर्याप्त समय, साधन, सत्ता सरकार में मिल जाती है, फिर भी उनके भले विकास के लिए, उनकी प्रगति के लिए कुछ नहीं करते हैं ठीक, तो कौन उनके साथ सैद्धांतिक तौर पर राजनीतिक लड़ाई लड़ते हुए तैयार है? और जब किसी भी समाज का, सुनिए मैं बता रहा हूं, किसी भी समाज का गौरव भाई, एक लोकसभा, एक विधानसभा से उस वर्ग का, उस जाति का भला नहीं होने वाला, बड़ी साफगोई और ईमानदारी से। वहां के लोगों को भला तो हो जाएगा, क्या भला हो जाएगा? अच्छा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है दोबारा, किसका भला हो रहा है उत्तर प्रदेश में? देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसका भला हो रहा है? सिवाय बर्बादी के, सिवाय नुकसान के, सिवाय पीछे जाने का, किसका भला हो रहा है? गौरव भाई, इनसे पूछिए, अगर इन जातियों के उत्तर प्रदेश के 1471 थाने हैं, पूछ लीजिए उन जातियों के क्या कोई बेटे बेटा थाने या चौकी में है? आप कैसी बात कर रहे हैं, आप बताइए हमको। अरे इन वर्गों के लोगों के, आप लोगों के जितनी जाति की तस्वीर है, ये समाज वाकई में वंचित है, इनकी आवाज कौन उठा रहा है? इनकी आवाज स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी उठा रही है, उत्तर प्रदेश या देश की जनता चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी की जो एक शैली है झूठ बोलने की, जुमला फेंकने की, झूठे वायदे करने की, लालच दिखाने की, देश के समाज के लोगों को अपमानित करने की, वो राजनीति ही स्वीकार करेगी, उसी पर अपना जनमत देगी, या इनको जवाब देने का काम करेगी? कब जवाब देगी ये सोचने का, मुझे लगता है अब समय बहुत तेजी से बदल रहा है। 14 चला गया, 17 चला गया, 19 चला गया, 22 चला गया, राजनीति में 24 भी आने वाला है। राजनीति में जी वो नई किरण, नव उदय, नव प्रभात हो चुका है। अच्छा, और जिसकी कड़ी आप देख रहे हैं भाई, प्रभात हो चुका है,
समझ जाइए आप लोग। आप देख रहे हैं एक व्यक्ति ने जो अपनी सारी सुख सुविधाओं, सारे पर्सनल कंफर्ट को छोड़ के क्या बात, भारत जोड़ो भारत के भाव को लेके निकल पड़े हैं। अच्छा। तो ये सारे जो हल्की सस्ती इधर उधर की राजनीति करने वाले लोग हैं, ठीक है, ये इनका बहुत दिन दुकान चलने वाली है नहीं, ठीक है, क्योंकि अब उन्होंने जनता के हृदय को झंकृत करने का काम कर दिया। ठीक है, हर वर्ग की आवश्यकता और जरूरत है जी, और जन जन मन मन का नारा है कांग्रेस लाओ देश बचाओ। भाजपा समाज का सम्मेलन कर रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे भाई आप, सम्मेलन करेंगे क्या? नहीं, मैंने क्या कहा, सम्मेलन से केवल नहीं है, उनका उचित प्रतिनिधित्व और अवसर मिलने पर उनको भरपूर सम्मान देने का काम करना चाहिए। जब जब कांग्रेस पार्टी को अवसर मिला है तो भरपूर सम्मान देने का काम किया गया है। ठीक है, ये लोग तो केवल चुनावी भाषण दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ठीक है, ठीक है, आमिर भाई, भाई आप सुन लिए सबकी बात, ले लीजिए। जयराम भाई ने पूरे वोट गिरा दिए है कि जीत रहे वहां पर, और जोशी जी बोल रहा है कि कोई टेंशन नहीं है। हालांकि सतपाल सिंह यादव के बयान पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है, उन्होंने कहा है भैया नहीं है आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद देने सामने नहीं आए, दूर से आशीर्वाद उन्होंने दे दिया है। और सतपाल भाई की बात आपने सुनी, विनोद भाई की बात भी सुनी आपने, कैसे देखते भैया यहाँ पर चुनाव? देखते सारे लोग आ जाते हैं अपना अपना दिखाने के लिए कि हम आपके जैसी है। बहुत शुक्रिया गौरव जी कि आपने मुझे इस चर्चा में शामिल किया। देखिए, पहली बात तो आपके डिबेट का मुद्दा ये था ही नहीं चुनाव मैनपुरी का, मुद्दा था आपका पसमांदा जी समाज का जो सम्मेलन हुआ है परसों रामपुर में, ये मुद्दा था। देखिए, पसमांदा समाज के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी छलावा कर रही है, देना वेना कुछ नहीं है। देखिए, नियत और मंशा ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप उत्तर प्रदेश में आप देखिए, इनकी पसमांदा ही समाज का मंत्री है, अच्छा, राज मंत्री है, मतलब अभी तक इन्होंने कैबिनेट मंत्री को नहीं बनाया। इनकी सरकार टू चल रही होगी जी की, पहले भी सरकार थी, अच्छा, उसमें मोहसिन रजा साहब थे, हाँ, वो मेरी कम्युनिटी से आते थे, ठीक, वो भी राज मंत्री तक सीमित रहे, अच्छा, वो भी कैबिनेट ना बन पाए। अच्छा, आज जिस पसमांदा को पसमांदा करके उछाला जा रहा है, वो उस पसमांदा समाज का ही मंत्री है, बावजूद इसके वो भी आज कैबिनेट मंत्री नहीं बना पाए। तो कुल मिलाकर के इनकी नियत देने की है ही नहीं। और एक बड़ी बात मैं आपको और बता दूं, आपको भी याद होगा, पसमांदा समाज का जिस पार्टी ने सम्मेलन कराया है, हाँ, उत्तर प्रदेश में उसका सुपड़ा साफ हो गया है। तीन सरकारें मेरे सामने हैं, बसपा ने कराया था, अच्छा, खत्म हो गई, अच्छा, उसके बाद सपा ने कराया, तो आप शुक्र खत्म हो गई, सुन लीजिए, ये आप भारतीय जनता पार्टी करा रहे, ये खत्म है। इसलिए पसमांदा समाज के जो कथित नेता है वो सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं, कोई उनका पसमांदा ताल्लुक नहीं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे मुस्लिम समाज की बात क्यों नहीं करती है? वो टुकड़ों में, खेमों में, कबीलों में क्यों बांटना चाहती है? बड़ा सवाल गौरव जी ये भी एक है, और ये सारे नेताओं को, हाँ, सारी पॉलिटिकल, मैं बीजेपी को नहीं कर रहा हूं, हाँ, उसमें कांग्रेस भी है, सपा भी है, बसपा भी है, सारे नेताओं को यह मंथन करना पड़ेगा इस बात के लिए, हाँ, कि हम तो मुस्लिम समाज की बात करें, पसमांदा, हाँ, क्या होता है? अच्छा। हमारे कोई पसमांदा नहीं है, एक सब में खड़े हो गए महमूद अयास, हाँ, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवास, हाँ, तो पसमांदा असमांदा का कोई मतलब नहीं हमारे यहाँ। अच्छा। और ना ही कोई पसमांदा है, ना ही कोई अगड़ा है। मेरे पीछे नमाज पढ़ेंगे आमिर साहब? अरे क्या बुरी बात है इसमें, क्यों नहीं पढ़ लेंगे आप? आप इमाम मरिए, कल्बे जवाद पढ़ेंगे कौन? अरे ये अब ये कल जवाब नहीं, 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 आप, नहीं, नहीं, आपने, नहीं, बहुत, आपने जो बात करी, पहली बात तो आप देखिए मुसलमान, देखिए एक बात सुनिए, मैं बोलूंगा गलत बात आप बोल रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं, मुसलमान बहत्तर फिर कोबा बटा है, आमिर साहब का मुसलमान बिल्कुल बोलूंगा मैं, मुसलमान बहत्तर फिर कोबा बटा हुआ, क्या कहते हैं आप? बोलने नहीं दूंगा, ये संविधान नहीं है, पहले राउंड में आपको नहीं बोलना चाहिए, पहले राउंड में नहीं बोलना चाहिए। मैं आपने इतना झूठ, मकारी, फरेब, धोखा, सारी बातें कही, बस इतना रहा। और जहाँ सच का आया तो भाजपा पार्टियों में मिर्ची लग जाती है, सच आप सुनना पसंद नहीं करते, झूठ में आपने पीएचडी कर रखी है, सच सुनना पसंद नहीं करते, झूठ में आपने पीएचडी कर रखी है, मकारी, अय्यारी, धोखा, फ्रॉड, सब आपके मिलन में शामिल है। भाजपा पार्टियों का अंग्रेजों की चटनियां धो देते, आज आप भारत भाइयों की संख्या भी धो रहे हैं। फर्क ये है, नमाज की बात आप कहां से लिया है? यहाँ पॉलिटिकल मुद्दे पर बहस हो रही थी, आप धर्म को आने लिया है, आप धर्म को, यही तो भारतीय जनता पार्टी का चार चरित चेहरा दोहरा दोगला पर भाजपा यही है कि बात हो रही थी राजनीति पे, आप धर्म पे लिया है, पसमांदा समाज की बात कर रहे हैं आप, क्यों मार रहे हैं कौन को? आप पसमांदा समाज में फेंका जा रहे हैं, आप पसमांदा समाज में फेंका जा रहे हैं, क्या फेंका जा रहे हैं? दिला दीजिए कैबिनेट मंत्री का बना दिए योगी जी बैठे, आप बहुत बड़े ठेकेदार हैं, बनवा दीजिए, अरे बनवा दीजिए, बनवा दीजिए।
सपा बसपा के एजेंट हैं आप, सपा बसपा और कांग्रेस के एजेंट हैं आप, मुसलमानों के दुश्मन हैं आप, पसमांदा मुसलमानों के दुश्मन हैं। अरे आपकी क्या हैसियत है? आप आमिर साहब कान खोलकर सुन लीजिए, कुछ दिन पहले आपने इसी चैनल पे कहा था कि मैं आपसे पैदा हूँ, आप मेरी औलाद हो, बाप से बदतमीजी करते, तुमको शर्म नहीं आती? अरे बाप, तुम्हारा बाप हूँ, आपने कबूला, आपने कबूला था कि मैं आपकी, आपने कबूला था कि मैं कहाँ से पैदा हुआ, आपने मुझसे कहा था, आपने मुझसे कहा था इसी देश के साथ, इसी चैनल पर आपने कहा था, आप कहाँ से पैदा हुए, आपने कहा था कि मैं आपसे पैदा हूँ, सुन लीजिए, आप मेरी औलाद हो, आप अपने बाप से बदतमीजी कर रहे हो, आप अपने बाप से बदतमीजी कर रहे हो, अपनी औलाद कर रहे हो, मुस्लिम वर्ग है सभी को उसका वोट बैंक मिलता है, सबको वोट मिलता है, सपा को मिलता है, कांग्रेस को मिलता है। अब इस वोट वर्ग को अगर वास्तव में पिछड़ रहा है, चाहे शिक्षा में चाहे रोजगार में, तो पहल तो करनी चाहिए, पर पहल पर एक दूसरे पे आरोप ये कहाँ तक सही है? भुवन जी भाई, आपने जवाब दिया था, समर भाई आपको जवाब देंगे, समर भाई, भुवन जी ने कहा था कि उनको पता नहीं है, आशीर्वाद मिल रहा है, उन्होंने ये भी कहा था कि बेहतर कर रहे हैं, कुछ बोलने जा रहे थे आप, उनकी बात काट रहे थे बार बार, बोलिए समर भाई, भवन जी की बात पर बोलिए, जो हमारे भवन जी बोले थे उस समय। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गौरव भाई आप देखिए कि आजादी के बाद से इस मुस्लिम समाज का जो शोषण शुरू हुआ, अच्छा वो शोषण ऐसे शुरू हुआ कि आप देखिए कि जब देश आजाद हुआ तो 33% मुस्लिम सरकारी नौकरियों में था, ठीक है, और उस वक्त IAS नहीं होता था, ICS होता था, ठीक है। कांग्रेस ने धीरे धीरे इंटरव्यू प्रथा करके मुसलमानों को नौकरी सरकारी नौकरियों से बाहर निकालना शुरू। आपने 8 साल में कितने दिन, 9 साल में, आप ये बता दीजिए, आप मुझे बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए आमिर भाई सुनने का मौका रखिए, आमिर साहब मैं बता रहा हूँ आप कांग्रेस नहीं बोल रहे, आप मुसलमानों को दुश्मन हो, आप मुसलमान
मुसलमानों आप मुसलमानों मैं बता रहा हूँ बताइए हमने मुसलमानों हमने मुसलमानों 33% स्वीकार कर रहे हैं 2200 मुसलमान मदरसे के बैठे और उसमें से 18 जो है वो नीट परीक्षा पास करके आए ये मदरसों के लिए ये 14 के बाद आपने चौदह जी मैंने कराया जी भारतीय जनता पार्टी की देन है जी भारतीय जनता पार्टी की देन है जी भारतीय जनता पार्टी की देन है भारतीय जनता हमने हराम कमाने वाले को बंद किया हमने हराम पैसा कमाने वाले ने मदरसे के ऊपर अंकुश उठाया हमने मदरसों की जांच कराई फर्जी बच्चों का वजीफा मैंने रोका फर्जी बच्चों का वजीफा मैंने रोका जो लूट का वजीफा रखी थी जो गोद जो मीट जो मीट यही फ्रॉड है यही धोखा है यही मकार है यही धोखा बने आपका हज में सरकार का पैसा हराम है इसलिए हमने हज की सब्सिडी हटाई हमने हराम पैसे पर हज पर रोक लगाई हमने हराम पैसे पर हज पर रोक लगाई आप क्या बात करते हैं आप क्या बात करते हैं आप क्या बात करेंगे आप किस बात की बात करेंगे भुवन भाई कुछ कहना चाह रहे बताइए देखिए आज बहुत गंभीर विषय पे आपने जो आज डिबेट रखी है निश्चित तौर पे देश और प्रदेश आपके चैनल को सुनता है जी बिल्कुल इसका एक स्वस्थ संदेश जाना चाहिए बिल्कुल सही बात जिस तरह का माहौल ही कर रहा है ना तो टीवी चैनल के लिए अच्छा है ना देश और प्रदेश के लिए अच्छा है ना स्वस्थ राजनीति और लोकतंत्र के लिए अच्छा है मैं इतना कहना चाहता हूँ माननीय डिम्पल यादव जी सरलता और सादगी और सौम्यता की एक मूर्ति है और जब मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूँ जितनी महिला नेत्री है किसी भी पार्टी की हो एकमात्र ऐसी महिला है जो अपने परिवार के साथ कोरोना काल जैसी परिस्थिति में आपने भी देखा होगा इस बात को श्रीवास्तव जी पूरे प्रदेश में एकमात्र महिला जो सड़कों पर थी निश्चित तौर पे एक सेवा का उनका भाव है और निश्चित तौर पर उनका एक अनुभव है जिसके कारण सभी पूरा एक लोगों जब डिंपल जी सड़कों पर थी तो मुलायम सिंह के नाम पर वोट क्यों पत्नी का फर्ज होता है कि वो पति के मार्गदर्शन पर चले अखिलेश यादव जी का नाम क्यों नहीं लेते हैं आप मुलायम सिंह जी की बहू है अरे सीट अखिलेश जी की पत्नी है अरे सीट किसी की नहीं होती है जी अच्छा सीट किसकी होती है देखिए देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूं वाली है वहां से अच्छा आप बताइए मुस्लिम सम्मेलन कराएंगे मैनपुरी में माननीय भुवन जी बताइए मुस्लिम सम्मेलन कराएंगे आप ये अलग तरह की डिबेट करते हैं भुवन जी जी पसमांदा मुस्लिम का सम्मेलन आप कराएंगे मैनपुरी में मैं आपसे बोलना चाहता हूँ आप मुसलमानों के दुश्मन है इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ आप बताइए मुस्लिम सम्मेलन कराएंगे आप ही क्वेश्चन कर लीजिए पहले में आपने मुसलमानों को छोड़ने का काम जवाब देने का समय देंगे नहीं नहीं समय देते रहेंगे बात का जवाब देंगे डिबेट हमारी आपकी है हमारी आपकी हम ही आप मैदान में हैं बताइए आप मुस्लिम सम्मेलन कराएंगे मैनपुरी में मैं आपसे कहना चाहता हूं आप अखिलेश यादव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बताइए आप मुस्लिम सम्मेलन कराएंगे किसी को धर्म के आधार पर इसका जवाब दीजिए वो जी जाति के आधार पे बांटने का काम नहीं करते मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं मैं मुस्लिम समाज से आता हूं आप मुस्लिम विरोधी हैं समाजवादी पार्टी मुस्लिम विरोधी है आपको जाति का जी बताइए निश्चित तौर पर प्रदेश आपको सुनना चाह रहा है यार के लिए कितने कार्य हमारी सरकार में हुए ये अल्पसंख्यकों को पता है मैं जो पूछ रहा हूं जवाब अखिलेश बोले जी तरह आगे की बात करना चाहता आप बताइए मुझे उससे मैं आगे की बात कहना चाहता हूं जवाब से आप मुस्लिम सम्मेलन कराएंगे नहीं बोलने भी बात करना आप बुलवा लीजिए आप ने बहुत बड़े मुस्लिम मुसलमानों को वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल करने वाले भुवन जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्या आप क्या मुस्लिम सम्मेलन कराएंगे हां या ना में दो टुक में जवाब दीजिए मैं खामोश हो जाऊंगा देखिए मैं निश्चित तौर पे जवाब दे दीजिए मैं खामोश हो जाऊंगा क्या आप मुस्लिम सम्मेलन कराएंगे हां या ना में जवाब दे दीजिए भुवन जी आपको मुस्लिम समाज सुनना चाह रहा हम सम्मेलन क्यों कराएं हम हमें उनको तोड़ना थोड़ी है आप सम्मेलन इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को वोट बैंक समझती है के नाम पर इस्तेमाल किया आप मुसलमानों के दुश्मन है हमें लोगों को जोड़ना है फिर पसमांदा सम्मेलन का विरोध क्यों है वो लोग सम्मेलन पसमांदा सम्मेलन का विरोध क्यों जोड़ना है पसमांदा सम्मेलन का विरोध क्यों भुवन जी बताइए देश आपको सुन रहा है आप मुस्लिम सम्मेलन कराएंगे या नहीं हां या ना में जवाब दे दीजिए मैं खामोश हो जाऊंगा आप मुस्लिम सम्मेलन कराएंगे आपको आप बोलिए भुवन जी आप समाजवादी पार्टी के हैं आप मुसलमानों के ठेकेदार हैं आपके उत्तर प्रदेश का जो भी मुफ्ती फतवा देता था वो आपके लिए देता था कि समाजवादी को वोट करिए आप मुफ्तियों को खरीदने का काम करते थे बताइए अरे आमिर साहब खामोश हो जाओ आप बच्चे हो मेरे शर्म करो यार अरे अपने बाप से बहस कर रहे हो खामोश हो जाओ श्रीवास्तव जी किस तरह की बहस करवा रहे हो तुम्हारा फतवा है अरे तुम्हारा फतवा ईरान से आता है जी आप खामोश हो जाओ आमिर साहब आप कभी सपा को वोट नहीं करते थे आमिर साहब आप कभी कांग्रेस को वोट नहीं करते थे
मुसलमान समझते नहीं, यही तो आपने बात कही थी, मुसलमान बटा हुआ है, मुसलमान बटा हुआ है, आज मुसलमान शिया में बटा है, आज मुसलमान सुन्नी में बटा है, आज मुसलमान देवबंदी में बटा है, आज मुसलमान वहाबी में बटा हुआ है, आज मुसलमान सुन्नी में बटा हुआ है, आज मुसलमान खानकाह में बटा हुआ है। अरे 72 फिरकों में बटने वाली कौम, 72 फिरकों में बांटने वाली कौम, 72 फिरकों में बटने वाली कौम, आज हम मुसलमानों को एकजुट भारतीय जनता पार्टी करने का काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को मुसलमानों के घोर विरोधी है, मुसलमानों को वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल भुवन जी हमेशा बोलती बंद हो गई, मुसलमानों को 12 साल जो है आपने जो है वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल किया, आप अखिलेश के नाम पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बताइए मुस्लिम सम्मेलन कराएंगे, बताइए भुवन जी जवाब दीजिए, डिंपल यादव सड़क पर टहलती थी, उन्होंने बहुत मेहनत की, चुप रहिए तो जवाब देंगे ना, डिंपल यादव अपने नाम पर नहीं मांग रहे, चुप रहिए तब तो जवाब मिलेगा, खामोश हो गया, मेरा जवाब दे, मुस्लिम सम्मेलन कराएंगे, बताइए भुवन जी जवाब दीजिए। देखिए ये सम्मेलन वो लोग करा रहे हैं जो लोग धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, जो बांटने में जिनकी दक्षता है, और वो केवल केवल भारतीय जनता पार्टी की है। अच्छा। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो हमारे साथी तरह तरह के चिल्ला चिल्ला के जिस तरह के प्रश्न कर रहे थे, मैं इनसे शालीन लोगों की, सपा बसपा और कांग्रेस से पीड़ित मुसलमान हूँ, इसलिए मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूँ, मुसलमानों को आपने गुलाम समझ रखा था, सपा बसपा कांग्रेस मुसलमानों को गुलाम समझती थी, वोट बैंक समझती थी, आप सम्मेलन नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास जनाधार नहीं है, आपके पास मुसलमान आपको छोड़ के चला गया, जिस तरह कांग्रेस को छोड़ के चला गया उसी तरह आपको छोड़ दिया, आप सम्मेलन कराने की हैसियत नहीं है। अखिलेश यादव जी चैलेंज करता हूँ आपको, मैनपुरी में मुस्लिम सम्मेलन करा के दिखाइए, आपको चैलेंज करता हूँ, पसमांदा सम्मेलन आप लखनऊ में करा के दिखाइए, आपको चैलेंज करता हूँ इस चैनल के ऊपर, मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर मैनपुरी में आप एक सम्मेलन करा के दिखाइए, प्लीज मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कांग्रेस सपा बसपा के लोग कान खोलकर सुन ले, अब वो वोट बैंक के इस्तेमाल, वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल नहीं होगा, आपका गुलाम नहीं है मुसलमान, आपका बंधुआ नहीं है मुसलमान, कांग्रेस सपा बसपा और ये इस्लामिक स्कॉलर फर्जी डिग्री के लेकर के आए एजेंट, ये कान खोलकर सुन ले, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया है और कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, मुसलमानों को अगर सम्मान मिला तो वो भारतीय जनता पार्टी से मिला, मुसलमानों को अगर उनका हक मिला तो भारतीय जनता पार्टी से मिला, अगर मुसलमानों को गैस मिली तो भारतीय जनता पार्टी से मिली, प्रधानमंत्री आवास मिला तो अगर आवास मिला तो प्रधान भारतीय जनता पार्टी से मिला, क्या बात करेंगे, हो गया भाई, अरे अरे कांग्रेस सपा बसपा के दलाल, अरे कांग्रेस ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं होगा, मेरे डिबेट में ऐसे नहीं होगा, सब प्यावा डाउन की जाए, ऐसे नहीं होगा, ठीक है भवन जी सवाल पर जवाब लेने दीजिए, तब तो मजा आएगा ना, तब तो जवाब लेने दीजिए, तब तो समझ में आएगा क्या कहना चाह रही है, ठीक है सवाल जी प्लीज जवाब ले लो भवन जी जवाब दीजिए प्लीज, सवाल भाई प्लीज अपने भाई प्लीज जी बोलिए भवन जी, जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करती है, समाज को बांटने की कोशिश करती है जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, अच्छा। ये काम समाजवादी पार्टी नहीं करती, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर हमें अपने नेताजी के नाम से अगर वोट मांगते हैं तो हमारी पार्टी के नेता, इसका फैसला ये लोग करने वाले कौन होते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी हमारी पार्टी के नेता है, हम उनके नाम पे वोट मांगे तो इसमें इनको क्या दिक्कत है, निश्चित तौर पे भ्रमित लोग हैं और समाज को भ्रमित कर, मुलायम सिंह जी के सत्ता से इनको आगे लाया, इनकी डिबेट
इनकी डिबेट करने के स्तर से पता चलता है कि इनको केवल समाज को भ्रमित करने के लिए भेजा गया है। अच्छा। निश्चित तौर पे ये समाज को भ्रमित करते हैं ऐसे लोग, और निश्चित तौर पे और ये चाटुकारिता करते हैं जिस प्रकार की डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जो भारतीय जनता पार्टी चला रही है। और मैं इनके पसमानदा सम्मेलन की बताना चाहता हूँ साहब, जो अभी रामपुर में हुआ था, आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली थी। ये पोल खोल दी है अल्पसंख्यकों ने इनकी की निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक समाज का भरोसा केवल केवल समाजवादी पार्टी के साथ। वो तो चुनाव में आपको पता चल जाएगा। चलो ठीक है। अरे आप कह रहा हूँ 200 का सम्मेलन करा दो, अखिलेश यादव जी को इस चैनल से मैं चैलेंज करता हूँ, मैनपुरी में 200 मुसलमान का सम्मेलन करा दो, पसमानदा मुसलमान का। चलो ठीक है, ठीक है। भुवन जी 200 मुसलमान की मुसलमानों के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। आप बांटने का काम करते हो, आप मुसलमानों का, यही तो कह रहा हूँ, आप बंधुआ मजदूर समझते हो मुसलमानों को। मुसलमान गुलाम है आपका, सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ। मुसलमान तुम्हारा गुलाम नहीं है, पहले कांग्रेस गुलाम समझती थी, फिर सपा ने समझना शुरू किया, फिर हो गया। प्लीज हो गया, आगे सम्मेलन कराओ। अरे हो गया, प्लीज एक सम्मेलन कराओ मैनपुरी में। दयाराम भाई, भाई यहाँ पर तो सपा और भाजपा में तीखी बहस रही है। आपका स्टैंड करते हैं, आपने तो तमाम आंकड़े गिराए थे, इतने वोट हमारे समाज के लोगों के हैं जो जो वर्ग पिछड़ा हुआ है, क्या स्त्री बन रही वहां पर मैनपुरी में, क्या सुभाष भाई सम्मेलन कराएगी आगे जाकर? देखिए, हमने आपको बताया ना, भारतीय जनता पार्टी ने जो पासा फेंका उसमें फंस गए लोग। अच्छा, हम भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई बैठे हैं। अच्छा, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव समाजवाद के पुरोधा थे। अच्छा ठीक है, और उन्होंने समाज को इस दशा को देखा है जी। ये कह रहे उनके नाम पे वोट मत मानो। अच्छा, माफ करिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी की जयराम जी, आपने सभी जातियों का नाम लिया, जयराम जी आपने सभी जातियों का नाम दिया कि मैनपुरी में कितनी जातियां हैं, आपने मुस्लिम समाज का नाम क्यों नहीं लिया? आपने मुस्लिम समाज का नाम क्यों नहीं लिया जयराम जी? जयराम जी आपने मुस्लिम समाज का नाम क्यों लिया? मैं बहुत देर से आपको सुन रहा हूँ, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, मैं मुस्लिम समाज से हूँ। आपने मुसलमानों की संख्या क्यों नहीं बताई मैनपुरी में? आपने सबकी संख्या बता दी, आपने सबकी संख्या बता दी, चौधरी बता दिया, फलाना बता दिया, धमाका बता दिया। आप भी मुस्लिम विरोधी हो, आप मुस्लिम विरोधी हो। जो लोग मुसलमानों का नाम नहीं लेते वो मुस्लिम विरोधी, जो सम्मेलन नहीं कराते वो मुसलमानों के विरोधी, वो मुसलमानों के विरोधी। आप बताइए, आप बताइए जयराम जी, आपने मुसलमानों का नाम क्यों नहीं बोलिया? आपने उनकी संख्या नहीं बताई? क्या 10,000 मुसलमान है मणिपुरी में, या 20,000 है, 50,000 है? एक बार बोल दो, अगर आप मुस्लिम में तहसील हो एक बार बोल दो, एक बार बोल दो जयराम जी, जयराम जी एक बार बोल दीजिए, जयराम जी एक बार बोल दीजिए, कितना परसेंट मुसलमान है, कितना हजार मुसलमान है? जयराम जी, जयराम जी एक बार बता दीजिए, जयराम जी एक बार बता दीजिए, आप कितने परसेंट मुसलमान है? स्टील जो है, स्टील की कीमत 3600 रुपए पर क्यूंटल। अरे उसको छोड़िए, आप चुनाव की बात करिए मैनपुरी के, उसको छोड़िए, कोई चुनाव का माहौल है, स्टील कोई नहीं खरीद रहा, स्टील कोई नहीं खरीद रहा। आप स्टील का नाम बताइए, आप मुसलमानों की संख्या 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 बताइए। भाई यहाँ तो बता दिया कि सपा वाले हैं, उन्होंने कहा कि मुस्लिम वर्ग के वोट हमको मिलेंगे,
सपा भाई बता रहा है कि हमको मिलेंगे और आमिर भाई बता रहे हैं कि जो है केवल बेवकूफ बना रहे हैं, तो ये मुस्लिम वर्ग जाएगा कहाँ? सब इनका शोषण कर रहे हैं, तो इनका सच्चा इतिहास है कौन? देखिए गौरव जी जी, मुस्लिम भाइयों को, प्रबुद्ध मुस्लिम भाइयों को ये समझ में आना चाहिए जी, ये वही भारतीय जनता, मैं क्रमवार सब पर आऊंगा जी, ये वही भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, जो चुनाव में जाने के पहले, चाहे उत्तर प्रदेश का 2014 का चुनाव हो उसके, और चाहे देश का चुनाव हो, जब उनसे जर्नलिस्ट और लोगों ने पूछा, चुनावी रणनीतिकारों ने, कि पूरे देश में आपको लोकसभा और विधानसभा लड़ने लायक कुछ चंद दर्जन आधे दर्जन उम्मीदवार नहीं दिखते हैं, तो इन्होंने, इनके जिम्मेदार नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने ये कहा कि मुझे मुसलमानों के वोट की आवश्यकता नहीं है। तो ये अपमान, ये जो लोकतंत्र में उसकी सहभागिता का, उसका प्रतिनिधित्व का जो 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 स्वाभाविक फैसला है, उसको खारिज करने का अपमान, क्या ये कोई भी सम्मेलन कर ले वो भूलेगी क्या? अच्छा, आज ये राजनीतिक बदले हुए परिवेश में, अच्छा, ये केवल दिखा रहे हैं कि हम इनके हितैषी हैं। अच्छा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, रही समाजवादी पार्टी की बात, हाँ, हाँ, प्रतिनिधित्व उन्होंने भाजपा से बेहतर दिया समय आने पर, चलो ठीक है, लेकिन क्या जब इनके सर्वमान्य नेता, अच्छा, आजम खान साहब के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का रवैया अपनाया, उनको प्रताड़नाएं दी, तो क्या भी, क्या उस सामर्थ्य से, उस शक्ति से, उस प्रेरणा से, उस विश्वास और उस मात्रा में समाजवादी पार्टी ने खंडन किया जी? ये लोग सब अपने कहीं ना कहीं उससे, उनके प्रशंसक तो ये भी नहीं होने और आहत रहे, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये इस समाज को खुद तय करना है। अच्छा, ये लोग केवल वोट की अपने राजनीति को सूट करने के लिए और मुस्लिम भाइयों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस गई थी, बिल्कुल गई थी। अच्छा, बिल्कुल गई थी। अच्छा, और देखिए शुरू से, देखिए होता क्या है, एक टर्म दो टर्म सरकार लाके और बड़ी बड़ी बातें कर लेना। कांग्रेस पार्टी ने जनता के आशीर्वाद से सभी वर्गों, सभी धर्मों के जनमत से एक लंबी दूरी की यात्रा तय की है। अच्छा, तो ये लोग बड़ा आसान है कोई छीटा कसी कर देना, लेकिन आप देखिए जब आपको वक्त आता है अपने किसी आठ आठ नौ नौ बार के लोकसभा और विधानसभा के साथी, जब आपके सर्वोच्च नेता एक मुखर आवाज है, जब वो जेल में रहते हैं, तो आप उनके साथ कैसी सहानुभूति रखते हैं? पूरी पार्टी किस प्रकार खड़ी रहती है? सीट मिलने की बात नहीं है भैया, 22 में कितनी सीटें मिली? सीट मिल जाने से आपको ये लाइसेंस नहीं मिल जाता है। विनोद भैया बता दो, आप झूठ की, विनोद भैया बता दो, जुमले की दुकान चला के राजनीति करिए। विनोद भैया बता दीजिए, मिलना एक बात है, विनोद भैया 22 में कितनी सीटें मिली आपको? यही तो पता चलता है, मिली थी तो आप बताइए, आपको कितने समय से हम संघर्ष करके आगे आए? नहीं, आप हम संघर्ष किए, हमारे कार्यकर्ता संघर्ष किए, हम आगे आए, संघर्ष करके मुसलमानों को जोड़ने का काम किया। देखिए रामपुर में पसमांदा मुसलमान, देखिए कल बरेली में हुआ, देखिए पसमांदा सम्मेलन, सीट और सीट मिलने, अरे नहीं, आप बताओ ना कितनी मिली? आप जनाधार खो चुके, उस बात को स्वीकार कर लो। लोकतंत्र, कांग्रेस को, कांग्रेस मुक्त भारत हो गया, कांग्रेस मुक्त भारत हो गया, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था कांग्रेस मुक्त भारत, तंत्र में सत्ता भाजपा का संकल्प था कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, विनोद जी कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है, कांग्रेस ये हाफ भारत हो चुका है। माइंड वाली बात मत करिए, विनोद जी हाफ पैंट और हाफ माइंड वाली बात से देश नहीं चल सकता। विनोद जी कितनी सीटें हैं 22 में आपकी? फिर वही सीट, हाँ तो बताओ ना, मिल गई तो क्या आपको सवाल नहीं होगा? देश आपको सुनना चाह रहा है, सीट आपने किस प्रकार से ली है बताइए, इसी पर तो सवाल है। जो बोल के आप लाए थे वो कहां आप करे उतरे? जनता पार्टी का संकल्प था नया भारत बनाएंगे, 150 शहर बना देंगे, गौरव जी के अकाउंट में 15 लाख, संकल्प पूरा किया, हमने संकल्प पूरा किया, कांग्रेस मुक्त भारत, भारत की जनता को कांग्रेस मुक्त भारत देंगे, भारत की जनता को कांग्रेस मुक्त भारत देंगे, नया भारत, काला धन, हमने, आप तो सब लेके चले गए, हमने संकल्प पूरा किया, हमने संकल्प पूरा किया। आप तुम्हारे राजकुमार को पैदल चलना पड़ रहा है वोट बैंक के लिए, जनाधार खो चुके हो, जनाधार खो चुके हो, आज आपके राजकुमार पैदल चल रहे हैं, संघीय इनके सत्ता का अहंकार है गौरव जी, सत्ता का अहंकार, सत्ता का अहंकार, सत्ता का अहंकार नहीं है, जनता का अहंकार नहीं है, मुसलमान जागरूक हो चुका है,
मुसलमान ने आपको जवाब दे दिया, मुसलमान को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, मुसलमान को बेवकूफ आपने बनाया, 70 साल सब भारत आप उनको समझा नहीं सकते, आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं, आप किसी के संघर्ष को, किसी के त्याग को, किसी के परिश्रम को, किसी की सेवा को, किसी की अहिंसा को, किसी की दया को, किसी की करुणा को आप सत्ता के अहंकार में खत्म कर देना चाहते हैं। सत्ता का अहंकार आपको बहुत भारी पड़ेगा, बताइए, ये सत्ता का अहंकार भाजपाइयों को ले डूबेगा, ये सत्ता का अहंकार मुरादाबाद ने आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, ये इतना अहंकार मुरादाबाद की ईदगाह में गोलियां किसने चलवाई, भागलपुर मलियाना मेरठ मुरादाबाद में मुसलमानों को किसने कत्लेआम कराया, भागलपुर मलियाना मेरठ में मुरादाबाद में कत्लेआम मुसलमानों का किसने करवाया, भागलपुर मलियाना मेरठ आप में हैसियत नहीं है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसी वजह से सरकार है क्योंकि आपने छला, आपने छला, आपको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया, आप बताइए होगा नहीं, आपको दूर भेजने का काम किया जाएगा, मुसलमानों को छला आपने, हिंदू कहीं तैसी आपको पता चलेगा, मुसलमान आपसे परेशान हो चुका, मुसलमानों का कत्लेआम कराया 70 साल में आपने, मुसलमानों का 70 साल में कराया, मुसलमानों का कत्लेआम कराया, पागल मेरा भाई कह रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, कांग्रेस मुक्त भारत, भारत का संकल्प था, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था, कांग्रेस मुक्त भारत, 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 कांग्रेस का मुंह हमने बंद कर दिया, कांग्रेस मुक्त भारत, आपको बोलने नहीं दूंगा, आपको बोलने नहीं दूंगा, आपने बहुत मुसलमानों को छला है, क्या बोलोगे आप, आप क्या बोलोगे, 70 साल में सड़क बनला दिया, 70 साल में आपने पंचर बनाने वाली कौन बना दिया मुसलमानों को, लेकिन ये भी उसी तरीके से निकले, पंचर बनाने वाली कौन बना दिया, कोई पता नहीं है, 70 साल में आपने पंचर बनाने वाली कौन बना दिया, भारत प्रधानमंत्री कह के बैकफुट पे आ गए, कह के नहीं आ रहे, मोहन भागवत को कहना पड़ा, नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, भारत मां के टुकड़े आपने किए, भारत मां के टुकड़े आपने किए, कांग्रेस भारत मां के टुकड़े क्या बताया जाए, ये तो प्रधानमंत्री मोदी के ही है, भारत मां के लेवल के निकले, मैं इनके साथ क्या डिबेट करूं, मुसलमानों को दंगा कराकर कत्लेआम कराने का काम कांग्रेस ने किया, भागलपुर मलियाना मेरठ में दंगे कराकर मुसलमानों का कत्लेआम आपने कराया, मुरादाबाद की ईदगाह में गोलियां कांग्रेस ने चलवाई, ईद की नमाज पढ़ते हुए गोलियां आपने चलवाई, ठीक है ठीक है, आमिर भाई भाई यहाँ पर सभी लोग मुस्लिम वर्ग अपना अपना हाथ बता रहे हैं, मनोज भाई बोल रहे हैं हमें तो ऐसी है, सपा ऐसी नहीं है, भाजपा बोल रहे हैं कि हम ही उद्धार कर रहे हैं, खैर सुभाषपा वालों ने अगर नाम नहीं लिया तो उस पर भी नाराजगी है, और जोशी जी बोल चुके हैं कि हम भैया जीतने जा रहा है मैनपुरी में, और बीजेपी इस तरह की बातें करती रहती है, भैया आपकी क्या राय है, भैया आप भी उसी वर्ग से हैं, स्कॉलर हैं, क्या कहेंगे, अरे भाई हम परसों ये पत्रकार थे, हो सकते हैं हम तो कभी मुस्लिम स्कॉलर बन जाते हैं, कभी इस्लामिक स्कॉलर बन जाते हैं, आज तो पहले आप बताइए आप हैं क्या, आप हैं क्या स्कॉलर की, आमिर भाई आप हैं क्या, पहले आज आज ये बताइए, और कौन सी डिग्री है आप, इंसान नहीं है, आपने तो नासा को बैन कर दिया, इंसान नहीं है आपने, नासा को इंसान है ये बड़ी बात है, आपने नासा को बैन कर दिया, जिस खुदा ने, आपको ये नहीं मालूम, जिस खुदा ने इंसान को बनाया उस इंसान का भगवान क्या होता है, भूगोल क्या होती है, आप बताइए, आप भूगोल बदल देते हैं, आप पसमानदा की बात करते हैं, आप बताइए 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश में है, आप बताइए केंद्र में 524 सीटें हैं, अरे जो आपको एक भी मुसलमान नहीं मिला लड़ने के लिए, बारे में जवाब और लंबी चौड़ी भाषण दे रहे हैं, देखिए समस्या का समाधान मानदा आप समाज कहां से लाते हो बताइए, नहीं होगा फर्जी डिग्रियां हैं, चुप कराओ भाई, आपके पास कितनी फर्जी डिग्रियां हैं, अरे गौरव मेरे पास डिग्रियां इतनी है, कभी मुस्लिम स्कॉलर कभी नहीं पाओगे, आपके पास एक लौती डिग्री है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ये मेरे पार्टी की है, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, ये मेरे पार्टी की है, आपके पास कितनी डिग्री है, मेरे पास तो 500 डिग्रियां हैं, पिछली बार आप खेल नहीं पाओगे, आपने बताया आप खेल नहीं पाओगे, मैं जिम्मेदारी कह रहा हूँ, मैं कारी भी हूँ, ये आपको मालूम हो जाएगा, कहाँ से पैदा हुए, अधिकार भी हूँ, पिछली बार बताया था कहाँ से पैदा हुए, आप बताइए कहाँ से पैदा हुए, आप बताइए कहाँ से पैदा हुए, कहाँ से पैदा हुए, उस दिन बता चुका हूँ, डिग्रियाँ कहाँ पैदा करने जा रहे हैं, आप डिग्री कहाँ से जा रहे हैं, मैं गौरव नहीं नहीं गौरव जी समझा दीजिए इनको, अरे बताइए नहीं बताया जाता, आप बताइए ये डिग्रियाँ कहाँ से पैदा करते हो, आपके पास बताइए ये डिग्रियाँ कहाँ से पैदा करते हो, डिग्री आपके पास डिग्री कहाँ से पैदा करते हो, हम भी डिग्री पैदा करेंगे, बताइए आप इतनी डिग्री कहाँ से लाते हो, आप बताइए आप डिग्री कहाँ से पैदा करते हो, अरे आप फतवा ईरान से लाते हो यार, आप फतवा ईरान से लाते हो, आप फतवा ईरान से लाते हो, पैदा हो गया है, शर्म आनी चाहिए आपकी पार्टी को, आप डिग्री कहाँ से लाते हो, आप डिग्री कहाँ से लाते हो, आप बताइए आप डिग्री कहाँ से लाते हो, आप गाली कांग्रेस
कहां से लाते हो? भाजपा का कार्य नहीं चाहिए, भाजपा का हर मुसलमान कार्यकर्ता अपने आप में मंत्री है, भाजपा का हर कार्यकर्ता मुसलमान अपने आप में मंत्री है। दो करोड़ प्रतिवर्ष की बात करी थी, आप बताइए आप भारत डिग्री कहां से लाए? बताइए करते करते भारत को आप डिग्री कहां से लाए? कर दिया आप डिग्री कहां से लाए? आपने आप डिग्री कहां से लाए? कर दिया आपने शिक्षा मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां मुसलमान जहां मुसलमान 70 साल में पढ़ा लिखा नहीं था, आज आप कहां से डिग्री बना क्या है? 70 साल में मुसलमान वो बताएं, ये 70 साल में कार्यालयों का विकास हुआ है, 70 साल कहीं कोई विकास नहीं हुआ, लिखा नहीं था, आप डिग्री कहां से लाए? आप डिग्री कहां से लाए? सचिवालय की और इलेक्शन की दीवारें ऊंची हो गई, ये विकास है। डिग्री कहां से लाए हो? आपको शर्मा नहीं चाहिए, आप फर्जी डिग्री के मालिक हो, पुराने लोग फर्जी डिग्री लिए सब हो गए, आप फर्जी डिग्री लिए बड़ी है, आप और हेलमेट के नाम पर पुलिस वाले लूट रहे हैं, चालान कर रहे हैं, डिग्री कहां से लाते हो? पुलिस वाले लूट रहे हैं, डिग्री कहां से लाए हो बताओ? राजनीति कर रहे हैं आमिर भाई, डिग्री कहां से लाए हो? छीन रहे पैसे लोगों से, डिग्री कहां से लाए हो बताओ? आज इस्लामिक स्कॉलर की डिग्री कहां से लाए हो? आप बताइए जनता को आप लूट रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर कैसे बन गए? आज डिग्री कहां से लाए हो? आप पहले पत्रकार बनते हो, कभी मुस्लिम स्कॉलर बनते हो, आप फर्जी हो, आप फर्जी डिग्री के मालिक 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 हो, आप जाहिल 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 हो, आपने स्वीकार किया आप जाहिल हो, आपने स्वीकार किया कि आप जाहिल हो, आपने स्वीकार किया कि आप जाहिल हो, आप फर्जी डिग्री के मालिक 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 हो, आमिर भाई फर्जी डिग्री के मालिक हो, हो गया हो गया, आमिर भाई फर्जी डिग्री के मालिक हो, आमिर भाई फर्जी डिग्री के मालिक हो, आप 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 फर्जी डिग्री के मालिक हो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, आप फर्जी डिग्री के मालिक हो, आप स्वीकार करो कि फर्जी डिग्री के मालिक हो, आप कभी इस्लामिक स्कॉलर, कभी पत्रकार, कभी कभी मुस्लिम स्कॉलर, कभी कोई डिग्री नहीं होती, क्यों नहीं होती? स्कॉलर की कोई डिग्री होती है? आप लिए तो आप फर्जी डिग्री, बताओ ना कहाँ से लाए हो? देश जानना चाहता है डिग्री कहाँ से लाए हो? ये इस्लामिक स्कॉलर कहाँ बन गए? आप इस्लामिक स्कॉलर लिखे हो? स्कॉलर हो क्या होता है बताओ? डिग्री कहाँ मिलती है? बिस्मिल्लाह का तर्जुमा बताओ, हो गया हो गया, तर्जुमा बताओ, हो गया हो गया, हो गया हो गया, इस्लामिक स्कॉलर बताओ, अलहमद का तर्जुमा बताओ, अरे बताओ, अरे आप बताओ, फील क्या होती है? हो गया हो गया भाई, अरे बताओ, अरे बताओ, अरे हो गया भाई, आप बताओ, शर्म करो, अरे आप शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, आप सभी मेहमानों के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हमने देखा कि चर्चा हो रही थी मैनपुरी उपचुनाव की, चर्चा हो रही थी पसमांदा के सम्मेलन हो रहे हैं लखनऊ, बरेली, रामपुर। मुस्लिम वर्ग अगर पिछड़ा हुआ है तो उसका हितैषी कौन है? जो भी इस वर्ग को विकास की मुख्य धारा में लेके आएगा वही सच्चा हितैषी है। समय अनुसार चीज़ें बदलती हैं, किसी भी वर्ग पर किसी पार्टी का पूर्ण स्थायित्व नहीं होता। कोई अगर पार्टी बोलती है कि ये वर्ग हमारा है तो कहीं ना कहीं पार्टी स्वयं के साथ छलावा कर रही है। मुस्लिम वर्ग पहले कांग्रेस के साथ रहा, सपा के साथ भी रहा, अब भाजपा बोल रही है कि वर्ग हमारे साथ जुड़ रहा है। अब वर्ग जुड़ रहा है उसका परिणाम तो केवल केवल चुनाव की मटपेटियों में बंद होता है, और बाद में जब परिणाम आते हैं तो स्पष्ट होता है ये वर्ग किसके साथ है। फिलहाल सबका साथ सबका विकास तो यहाँ होना चाहिए, बीजेपी की अपनी टैगलाइन है, सपा की अपनी, कांग्रेस की अपनी, पर यहाँ पर जो वर्ग है ये उसी के साथ जाएगा जो इनकी हित की बात करेगा, जो इनको विकास की मुख्य धारा में लेके आएगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो और चाहे अन्य दल हो। अगर वास्तव में पिछड़ों को आगे लेके आना है तो राजनीति से हटकर, धर्म से हटकर, केवल केवल स्वच्छ मानसिकता के साथ आपको उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी बेहतर विकास भी होगा और तभी एक स्वस्थ भारत का निर्माण भी होगा। नहीं तो सरगर्मियाँ चलती रहेंगी, चुनावी मतभेद चलते रहेंगे और चलते रहेंगे आरोप प्रत्यारोप के दौर। पर अगर चाहते हैं भारत विश्वगुरु बने, भारत में विकास हो और एक ऐसा पटकथा रची जाए जहाँ पर सभी वर्ग एक हो, तो वहाँ पर पहल हमारी जो राजनीतिक पार्टियाँ उनको करनी होगी, ना कि लोगों को, क्योंकि अगर आप ही पहल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हर वर्ग का छलावा होगा जो आपको देखकर आपकी पार्टी में आना चाहते हैं। परिणाम आएंगे और परिणाम के साथ स्पष्ट हो जाएगा कि ये वर्ग किसके साथ है। फिलहाल सम्मेलन, यात्राओं और जनसभाओं के दौर चलते रहेंगे, चुनाव है और चुनाव में ये चीज़ें आम होती हैं। फिलहाल बने रहिए, नमस्कार।
देख रहे हैं।